काट देखो तेरे को बचा रहे हैं, काट रहा है। तो दोस्तों फाइनली जो यहाँ पर एक बगुला पक्षी था जो रोड पे गिरा पड़ा था, हम लोग बिलग्राम रोड से गुजर रहे थे तो तड़प रहा था वो काफ़ी, और उसके बाद में जब हम लोग कम से कम 200 मीटर आगे निकल गए तो मैंने सोचा चलो उसको देखते हैं। तो मैं और भाई आसिफ के साथ में, तो दोनों लोगों ने देखा तो हम लोग विचार किया, मैंने कहा चलो उसको बचाते हैं चलकर। तो वापस आया तो यहाँ पर वो मुझे पड़ा मिला, तो यही लग रहा था कि मर गया है। और उसको जब मैंने उठाया तो क्या हुआ, वो मुझे काटने के लिए दौड़ रहा था, हालांकि वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद में अभी जब मैंने उसको पकड़ के थोड़ा फैलाया फुलाया, आप लोगों ने देखा होगा पीछे वीडियो में, इस बात को शूट कर रहा है अभी मैं, वो जो पक्षी है वो आराम से सुरक्षित है। और इधर में आप लोग देख पा रहे होंगे वो देखिए बैठा है, जूम करके दिखा दीजिए, आगे बढ़ के दिखा दीजिए, वो उधर में बैठा है। इसके पैर में कुछ चोट आ गई, हालांकि ज़्यादा चोट नहीं है और ऐसे ही सही हो जाएगा। अब वो छुपने का प्रयास कर रहे हैं, अब आगे मत जाइए, बस वो बच गया है। तो दोस्तों कभी भी कोई भी पक्षी इस प्रकार से कहीं पर भी आपको पड़ा मिलता है या उसको चोट मोच कभी भी आ गई है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, उस पक्षी को बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। मैं जब गुजरा इधर से तो कई लोग गुजर रहे थे लेकिन किसी ने भी प्रयास नहीं किया। तो पर्यावरण है ये, ठीक है, तो इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, जो भी पृथ्वी पर जीव जंतु उन सबकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ, तो कभी कभार ऐसे अवसर होते हैं जल्दबाजी में होते हैं तो वो नहीं कर पाते, लेकिन अगर समय आपके पास है तो एक बार जरूर उनका हाल चाल लें। तो आगे से कभी भी आपके सामने भी ऐसा घटना आ जाए तो ऐसे में उसकी मदद करना आपका प्राथमिकता हो जाता है। ओके, चलिए इसी प्रकार की अगली वीडियो में कभी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।